हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप वन एंड टाइप टू एडल्ट स्टूडेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती हैं। आज हम इस टॉपिक को डिटेल्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, टाइप वन एंड टाइप टू एडल्ट को समझने से पहले आपको ये तीन चीज़ों का जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको इन तीन चीज़ों का नहीं पता तो आपको टाइप वन एंड टाइप टू एडल्ट की समझ नहीं आएगी। सबसे फर्स्ट थिंग है, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है वो मैंने बनाई है और जिसमें मैंने डिटेल जो है सारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है मैं बता चुकी हूँ। उसका लिंक जो है वो मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है। इट इज़ अ प्रोसीजर विच अनेबल्स अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैम्पल डाटा वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। स्टूडेंट्स, अब ये होता क्या है? स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं सर्वे करना चाहती हूँ एक ड्रग के बारे में, यानी एक ड्रग स्टोर की कंपनी है और उसकी एक ड्रग है, हम उसके जो है ये देखना चाहते हैं क्या वो डिजीज़ को, यानी जो उसकी पार्टिकुलर डिजीज़ है, क्या वो उसको क्योर कर रही है वो ड्रग या नहीं कर रही। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती कि मैं पूरे पाकिस्तान के सारे जितनी भी वहाँ पे लोग हैं मैं उन सारे लोगों का जो है जाके मुआयना करूँ और जाके चेक करूँ कि जो जो भी इसको ड्रग को इस्तेमाल करते हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊं और जाकर जो है मैं उसका मुआयना करूं कि क्या उस ड्रग के उस इंसान के ऊपर क्या अच्छे जो असरात हैं वो मुरतब हो रहे हैं, यानी वो उसकी डिजीज़ को क्योर कर रही है कि नहीं कर रही। अभी बहुत ही मुश्किल काम है कि मैं जाके जो है वो पूरे पाकिस्तान में जाऊँ और सारे सिटीज़ और मैं जगह जगह, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है ये बहुत ज़्यादा काम है। तो इसके लिए क्या करूँगी स्टूडेंट्स, मैं इसके लिए कुछ सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी और उस सैंपल की सिलेक्शन की बेस पर मैं एक एविडेंस बनाऊँगी और उसके उस एविडेंस की बेस पर जो है मैं फाइंड आउट करूँगी कि क्या उस ड्रग के जो है उस उन लोगों की जो डिज़ीज़ है, क्या वो ड्रग जो है उन लोगों की डिज़ीज़ को क्योर कर रही है कि नहीं कर रही। यानी मुझे एक सैंपल की ज़रूरत होगी। तो जैसे अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग एक सैंपल की बेस पर जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसकी बेस पे जो है हम लोग अपनी स्टेटमेंट, जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं द ड्रग इज क्योरिंग द डिजीज। ये मेरे पास वो स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के बारे में जो मैं सारा जानना चाहूंगी उसके लिए मुझे पूरा एक प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी पूरा प्रोसीजर के तहत जो है मुझे अपना एक कैसे एक डिसीजन जो है वो मुझे लेना होगा, क्या ये ड्रग जो है वो डिजीज़ को क्योर कर रही है कि नहीं कर रही है। वो जब सारा प्रोसीजर होगा ना स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने आपको डिटेल बताया था। अब वो इसमें जाने की इस टॉपिक में तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझना था कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब द ड्रग इज़ क्योरिंग द डिजीज़। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या जाती है, जब हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं ना तो हम लोगों को सबसे पहले एक हाइपोथेसिस की ज़रूरत होती है, यानी जिसकी बेस पर हम लोगों ने अपना प्रोसीजर करना होता है। अब वो दो तरह की हाइपोथेसिस हो सकती हैं, एक हमारे पास होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या करती है, नल हाइपोथेसिस आपको बताती है नो इफेक्ट के बारे में, यानी देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास इस स्टेट के अंदर दो चीज़ें थी, एक ड्रग थी और एक डिजीज थी, ठीक है। अब एच नोट हमारे पास क्या बताएगी, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड डिजीज। यानी ये जो ड्रग है वो इस डिजीज को क्योर नहीं कर रही है, यानी एच नोट बताता है नो इफेक्ट बने। इसके बारे में जो ऑल्टरनेटिव आ जाए उसको हम H1 से डिनोट करते हैं और हमारे पास बताती है देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड डिजीज। H1 उसका ऑल्टरनेटिव होती है और वो बता रही है कि ये जो ड्रग है इससे हमारी जो भी डिजीज है वो क्योर हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था जस्ट बेसिक सा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब स्टूडेंट्स, आपको ये तो थोड़ा सा समझ आ गया कि ये हमारे पास बेसिक क्या होता है, नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बेसिक चीज आपको समझने की जरूरत थी नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट हम चीज पे चलते हैं, व्हाट इज टाइप वन एंड टाइप टू एरर, जो कि हम लोगों ने इस टॉपिक में स्टार्ट किया है।
स्टूडेंट्स अब हम मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज टाइप वन एरर एंड व्हाट इज टाइप टू एरर. स्टूडेंट्स जब हम लोग टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह की जो है ना हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट होती हैं. द फर्स्ट वन इज रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स. द सेकंड इज एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. अब द थर्ड वन इज रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. द फोर्थ वन इज एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स. अगर जैसे फर्स्ट वाली हाइपोथेसिस देखें तो फर्स्ट वाली हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या हो रहा है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स. यानी हमारी जो हम अपनी एच नॉट को जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में फॉल्स ही है, वो गलत है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स ये हमारा डिसीजन क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है. यानी ये डिसीजन हमारा क्या ठीक है, दैट इज करेक्ट डिसीजन. द सेकेंड अगर हम लोग देखें एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यानी हमारी नल हाइपोथेसिस जो एच नॉट है वो ठीक है और हम उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, डैट इज आल्सो करेक्ट. ये हमारे पास ठीक है, डैट इज करेक्ट डिसीजन और हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा इसके अंदर, इन दो जो हाइपोथेसिस हैं. अब दिस थर्ड वन हमारे पास है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. अब हम क्या हो रहा है कि हमारी जो एच नॉट यानी जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक है लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. तो ये वाला जो एरर है ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास रॉन्ग डिसीजन है और ये हमारे पास एरर बना रहा है विच इज टाइप वन एरर. यहां पर हमारा डिसीजन क्या हो गया, गलत हो गया. यानी हम लोगों ने सही हाइपोथेसिस को गलत कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, टाइप वन एरर. और टाइप वन एरर होता ही है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. फोर्थ वन इज हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स. यानी हमारे पास क्या था कि जो एच नॉट थी नल हाइपोथेसिस थी वो गलत थी और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, दैट इज डिसीजन इज आल्सो इनकरेक्ट और ये क्या बन जाएगा, टाइप टू एरर. अच्छा जैसे मैंने इस सारे जो भी हमारे पास ये था ना जो मैंने आपको सारा समझाया उसको मैंने एक टेबल की सूरत में बता दिया. हमारे पास ट्रू सिचुएशन क्या थी, एच नॉट इज ट्रू. हमारे पास दो तरह के डिसीजन है, डैट दीज आर टू डिसीजंस, डैट इज एक्सेप्ट एच नॉट एंड रिजेक्ट एच नॉट. अगर एच नॉट ट्रू है एक्सेप्ट करते हैं तो करेक्ट डिसीजन, अगर एच नॉट इज ट्रू है रिजेक्ट करते हैं रॉन्ग डिसीजन. और ये क्या बन जाता है, टाइप वन एरर, जो कि मैंने बताया था रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. द सेकेंड सिचुएशन इज एच नॉट इज फॉल्स लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी गलत को सही कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग डिसीजन, दैट इज टाइप टू एरर. अब हमारे पास सेकंड क्या है, एच नॉट इज फॉल्स, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया यानी गलत था उसको हमने गलत कह दिया, हमने करेक्ट डिसीजन किया और नो एरर, कोई एरर यहाँ पर अकर नहीं हुआ. सिर्फ ये था सिंपली टाइप वन एंड टाइप टू. सिर्फ टाइप वन एरर, टाइप वन एरर को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से एंड टाइप टू एरर को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से. अब ये अल्फा बीटा जो है वो प्रोबेबिलिटी शो करती हैं, अल्फा प्रोबेबिलिटी शो करता है टाइप वन एरर की और बीटा प्रोबेबिलिटी शो करता है टाइप टू एरर की. इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग अल्फा है तो हमारे पास इसको शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर, और इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं. और जो हमारे पास बीटा है दिस शोज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर, और हम लोग उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज False. अच्छा अब स्टूडेंट्स अब इसका हमारे पास ये क्यों जो है एक प्रोसीजर यानी टेस्टिंग हाइपोथेसिस में ये क्यों अपर होते हैं, यानी क्यों इसकी क्या वजह है, कौन सी वजूहात हैं कि टाइप वन एंड टाइप टू एरर जो है वो हमारे पास आते हैं. हम लोग एग्जाम्पल की बेस पर जो है जब हम लोग कोई प्रोसीजर कोई भी अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, और अगर वो सैम्पल जो है वो स्मॉल सैम्पल साइज हम लोगों ने सिलेक्ट किया है तो हो सकता है कि वो जो सैंपल है
जिसकी बेस पे हम लोग डिसीजन बना रहे हैं वो गलत भी हो सकता है सैंपल की बेस पे। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा करूँ, मैंने क्या करना था, मैंने एक ड्रग जो थी उसके देखने थे क्या उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या वो डिजीज को जो सा है क्योर कर रही है वो ड्रग। तो अगर मैं ये करती कि मैं पूरे पाकिस्तान का सर्वे करना चाहती हूँ, मैं उस ड्रग का जो इफेक्ट्स है ना मैं पूरे पाकिस्तान के चेक करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने हाल ही लाहौर में से 10 लोगों को सिलेक्ट किया और उस पर मैंने जो है अपनी प्रोसीजर पूरा परफॉर्म किया और मैंने उस पर डिसीजन निकाल लिया। अब वो मैंने हाल ही 10 लोगों का जो था वो मैंने सर्वे किया, सिर्फ 10 लोगों के ऊपर, 10 लोगों की बेस पर मैंने वो जो डिसीजन ले लिया कि ये ड्रग जो है वो उसके जो डिजीज है लोगों की वो क्योर कर रही है। हो सकता है मेरा ये डिसीजन गलत हो गया, यानी मैंने गलत को एक्सेप्ट कर लिया हो, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, टाइप 2 एरर। अब ये क्यों अकड़ होता है, अगर हम लोग सैंपल्स जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा सिलेक्ट करते हैं या हम सही से सैंपल साइज को सिलेक्ट नहीं करते तो ये तब टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो है वो अकड़ होती है। अब इसको रिड्यूस करने का क्या तरीका है, इसको रिड्यूस करने का तरीका ये है कि हम लोगों को ना सैंपल साइज लार्ज लेना होगा। यानी अगर हम लोग चाहते हैं कि टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करें, अगर ये कम से कम आए हमारे जो भी प्रोसीजर है उसके अंदर कम आए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा जो सैंपल साइज है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये था इसको रिड्यूस करने का तरीका कि किस तरह टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को रिड्यूस किया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों का अल्फा एंड बीटा का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हम लोग अल्फा को कम करना चाहेंगे तो बीटा बढ़ जाएगा, अगर हम बीटा को कम करना चाहेंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। एंड वी कैन मिनिमाइज alpha and beta by taking large sample sizes, large samples। और हम लोग इसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर लार्ज सैंपल्स जो है वो सिलेक्ट करें तो हम लोग इसको मिनिमाइज जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये था टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अब नेक्स्ट बात हमारे पास ये है कि मैंने आपको बताया टाइप 1 एरर हमारे पास क्या होता है, which we shows from alpha। So this alpha को हम लोग इसका जो other name है वो हमारे पास है level of significance। जैसे हम लोगों, मैंने आपको टेस्टिंग हाइपोथेसिस का सारा जो था वो टॉपिक पढ़ाया था, उसमें हम लोगों ने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो यूज किया था। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या होता है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज अज्यूम्स टू बी ट्रू। यानी एच नॉट हमारे पास ट्रू होता है, reject h not when h not is true। यानी ये हमारे पास सेम किस तरह का है, टाइप 1 एरर के इक्वल है। टाइप 1 एरर एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों जो है वो सेम थिंग्स हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है बात क्या हो रही है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दिया कि रिजेक्ट h not when h not is true। अगर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं अल्फा की, डेट इज 0.05, 0.10 यानी 5% या हम 10% ले सकते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग 5% जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों की जो भी हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 5% अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के चांसेस हैं, जबकि 95% हम कॉन्फिडेंस हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। तो स्टूडेंट्स ये था एक बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट थी कि टाइप ऑफ एरर को हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टाइप ऑफ एरर दोनों सेम थिंग्स हैं हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आपको टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई किसी बात कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स को जरूर लाइक कीजिएगा और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय।